उन संस्थाओं को भी ये हस्तक्षेप कर करके बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए ये घोसी का चुनाव यहां केवल एक विधानसभा का है, लेकिन ये संदेश पूरे देश में देने जा रहा है, पूरे देश को संदेश देगा। बीजेपी कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन जनता के सामने कोई चीज टिक नहीं सकती है। अगर जनता ने मन बना लिया तो जनता के फैसले को कोई बदल नहीं सकता। इसलिए हम ये संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वही भी जहां पर नौकरी और रोजगार का इंतजाम हो जाना चाहिए, उन नौकरी रोजगार को भी नहीं बढ़ावा दे रहे हैं। क्या आपने नहीं सुना था, प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में कह रहे थे कि हमने 100 में सबको नौकरी दे दी, केवल 4 रोजगार है। बताओ कोई बीजेपी के इन आंकड़ों पे भरोसा कर लेगा कि जहां ये कहते हो कि हमने सबको नौकरी रोजगार दे दिए, 100 में केवल 4 रोजगार बचे हैं, ये इनके आंकड़े कहते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि 15 साल से ऊपर वाले नौजवान जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उनके रोजगार नौकरी का इंतजाम हो जाए, तो सरकार न जाने किस तरह की बात करती है। आज देश में और दुनिया में सबसे ज्यादा 15 साल से ऊपर वाली आबादी अगर कहीं दिखाई दे रही है तो वो आपके उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, जिसकी पढ़ाई की, नौकरी की, रोजगार का इंतजाम क्या होगा। लेकिन ये बीजेपी के लोग उनके भविष्य को अंधकार में डालना चाहते हैं। अभी जो जानकारी मिली है, 3000 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी गरीब बच्चे ने दाखिला नहीं लिया, एडमिशन नहीं लिया है। 3000 ऐसे स्कूल हैं जिनमें कोई एडमिशन नहीं मिला, कोई लेने नहीं गया एडमिशन। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हो, और अगर बच्चे पढ़ भी लें तो उनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। मैं लखनऊ से चल करके घोसी तक आया हूं। जो लोग कहते थे कि 33 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में निवेश होने जा रहा है पैसा, मुझे ये बीजेपी वाले बताएं, लखनऊ से लेकर के घोसी विधानसभा तक और घोसी विधानसभा के आखिरी बॉर्डर तक और यूपी की सीमा तक अगर कहीं एक भी कारखाना लगा हो तो बता दो हमें, अगर एक भी